राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण सगले भैया ने। तो भाइयों आज को छोटो सो ब्लॉग है वो अभी स्टार्ट करा, और आज को ब्लॉग इतो दुख भरियो है तो मैं थन बता को सकूंगा आज मेरे मत कतो दुख है। आज को दुख हो है तो मेरे पिताजी एक्सपायर हुआ 2013 दसवीं, आज चल है 23 यानी 13 साल हो गया। वे जब दिन 2010 में एक्सपायर हुआ तीन दिन आपा मतलब टाबर सा आ गया, आमने कने काम धंधा डूबे लो और यहीं फिरता सा आ गया गलिया में। तो भी टाइम मेरी बहन के ससुर है बाबू राम जी शरण वहा मतलब आमने सिर मत हाथ रखियो और वहा मने ज्यों बांग चार लड़का है मेरा जीजू जी चार भाई है तो वहा मने कांचों मांग रही रहती और मन मेरे जीवन में कद ही बात मतलब 13 साल में मन ये ठा कौन पड़ियो नहीं सामने पिताजी यानी आज एक्सपायर करियम 13 साल हो गया। ज्यों मैं कई चीज की जरूरत पड़ी ज्यों किंग आप बाप ने कह भी अंजे जार मैं बन कह दियो नहीं तो मन आ चीज चाहिए जाए चाहे वह 5,000 की चाहे 50,000 की और चाहे की काम वहा मन दुबा रही है कौन क्यों आ कहानी कटम लवा मैं कहा रोड़ा जरूर कर दिया क्यों बाप करे जूं आ क्या मिले वो पे जरूरत है बने आधे घंटे बाद में मुँह उतरिए ना फिरना और ले वो काम कर ले बामन मतलब कभी महसूस कौन होंगे। आज वे रात ने 2 बजे एक्सपायर हो गया ये मान लो का बाकी चाकी की का मतलब जिस दिन पिताजी एक्सपायर हुआ भी दिन टाबर आ अब तो घड़ो ज्ञान भी कौन हो गए माई तुम्हारे जना मतलब औलाद में के बीच है क्योंकि आपा ने ठाई कौन पड़ेंगे अब बात समझ आई है जनाज दिया जना आज पिताजी दोबारा एक्सपायर हो गया। तो दूसरी बात दुर्भाग्य के देखो कई माड़ा आमना के जो हुए आप कभी घर छोड़ 4 महीना हो गया गाड़ी में गए ही कौन नहीं दिन में 2 बार हूँ वहाँ कन जाऊँ तो अब के जगह लाइफ टाला 5 दिन में वे दुख पाया हाँ 5 दिन हम एक बांके ने दियो को बांके नुईया कौन गयो थे ब्लॉग देखे या पंजाब आया कांदिया भर है रहा 5 दिन वट बैठिया 2 दिन तो ला गया रस्ते में 4 दिन एक ने बैठा गया एक यानी 7 दिन यानी यहाँ लाइफ स्टाइल 7 दिन मैं भगवान रूपी भी मान आत्मा का दर्शन ही करिया को अब तो हूँ किस्मत साली मानू अपना आपने कि मेरे गाड़ी रात खाली होगी जे रात गाड़ी खाली नहीं हुआ ओ जो लाइफ में लकड़ी देऊ ना समझो गए वो भी अपन मिला रखो बना अब तो बंगो आमने मत जियो जनो अतो काम भगवान से ही करा दियो मेरे रात गाड़ी खाली होगी और रात में बट गाड़ी खाली कर निकलता ही अन लाले कियो के बीजू जी आप सोवा अबे केटा के जची मेरे मैं क्यों ललाट सोवा को आप चालिया मैं आ गया बटू सवेरे 5 बजे अटे डब्बली पहुंचा जन माता राम को फोन आयो रोन ला गया हूँ भी डर गयो मैं जो बात तो बताओ थे कूपे ही कूपे जन बा बतायो के सगोजी बाबू राम जी एक्सपायर हो गया
घंटे हाथ में चाह आई, चाह नाक बटी और भाई क्यों दस बजी बने यानी दाग दे उन्हें ले जी। दस बजे तू पहुंच जी गे चना बटू डबाली हूँ बीकानेर साढ़े एक 300 किलोमीटर है बटू हाथों हाथ हुआ रवाना और अभी 8 बजे मैं आ गयो सूरतगढ़। तो मन ये लगे दाग टेम ने बट उड़ जाऊ तो को मोटी लकड़ी आलो है ओ तो मान आत्मा ना अपन दे ही था। मैं मेरे जीवन में मतलब अत्ता नीठा पी आदमी नहीं देखा। हाँ आदमिया आप कानू कोई भी हो बिना उनसो लाऊंगी सोची। हाँ ये कौन सोचो नहीं गए ओ दबे ओ मतलब आम नहीं बैग यानी हाँ आपके जीवन में जरूर लोगों का काम कर दिया। एक तरह हुए फाइनेंस रिया तो आ आदमिया अगर कोई भी आगे करने आयो आ भी ना हाथ को उतरी दियो मुंह को उतर कद ही गोन दियो। एक दिन मैं तो नु बैठ आई है जने कोई आयो कि मो नाम है जूं कौन पर 5 लाख रुपया मांगा तो मेरे यहाँ प्रॉब्लम है 5 लाख रुपया चाहिए किंगा कोई पहला का रुपया ले कूड़ा जन भी ने नहीं है जति गाल का दीर थारो डोल है केरिया है केर तो मतलब थोड़ा मेरो भी मुंह उतर गयो। मैं क्यों ये कई को नहीं आज ही नहीं किए की है दौड़ जा हट के कुत्ता पैसा कोई आंकड़ा के लगे है केरिया कर काट दियो। वो आदमी जो ही चाह पीर जाऊं लगियो गेट कटन लाई गयो तो तने मन क्यों कुत्ते ने लो मार मैं पाचा बुला क्यों हाँ पाचा बुला माँ हैर माँ 2 लाख रुपया यार क्यों लियो ले जियो दे दिया वो आदमी उड़ गयो। जन मैं लारू मैं जो दाल थे का एक ढेलो ही कौन दो रब दे 2 लाख दे दिया। जन बा मन एक बात गई बात की मन मतलब तकड़ी लागी वांगी बा जो ओ आमने कन आयो है तो की आस ले रही आयो है कि नापा लागिया हाँ के भाई आप इनको काम काट सका। जन नहीं हो आमने कन आयो है जन मैं तो थे पहला ही नहीं आ कान बात तो यहाँ का आगा ओ भी चीज में फाल्ट है। जन इन्हें 2 बात सुनाई अब आप इनको काम नहीं कर डा जन पाच आप फाल्ट आप मको क्या फाल्ट आप क्या फाल्ट इन तो कहटा है जना है कौन जना कौन दिया कहटा इनकी नीति चोर है तो कौन दिया इनकी तो जने आपा कन तो रिपियो राम को देउड़ो है एरो अबे परेशान है आपा ही नापे ही रिपियो नेंदा जन आपा उमाड़ो के हुए इसी मतलब बांगी घनी बाता है। एक तो मतलब नीपा भी आदमिया 2 मिनट रोड़ो कर 5 मिनट बाद में भी सच भी सही आज पे आदमी संसार छोड़ दिया और अत्ता पक्का और अत्ता मजबूत आदमिया अंग 3 महीने कैंसर हो बम्बई ले गया लीलावती हॉस्पिटल है पर डॉक्टर की वो कैंसर है जन कैंसर को नाम लिया मोटा मोटा घबरा गया। हाँ 12 अरबनो इतना ही की वो कैंसर है ही कौन है तो गैल से पहन के डा पड़ा मेरे को भाई आंत है यानी लेटरिंग गिर गान ला की
की आंत में मिस्टेक है, जन लेटरिन कान लगे अन गेल सपन ठा के बड़े जन लाई बनो जावे मेरे बेरों लाइया, क्योंकि बन तो ठा हो के कैंसर ही है, जबकि ठा तो बन नहीं हो के मेरे ही कैंसर ही है, पर बन दे क्योंकि हूँ टूट हूँ जन सोरा सपा ही टूट जी। तो मतलब इतना मजबूत आदमी आ पूछो ना ना, जका आज वे संसार छोड़ गया। तो अभी मैं आयो हूँ सूरतगढ़ और आज आमनी आ गाड़ी है आमनी के आवांगी है, जकी जे टेम में तो 10 बजे पहुँचा दे तो यही मानू कारण मन है करोड़ रुपया वो अपनी गाड़ियों में तुम्हार सेठ ही नहीं लियो। तो भाइयों धान तो आई कहनी है क्या ये मान आत्मा ने ईश्वर आपके चरण में जगह दे लिए थे दो अक्षर राम राम का कमेंट कमेंट में जरूर लिखोला और ईश्वर वहाँ प्रार्थना करोला ईश्वर माना आपके चरणों में जगेंगे। अभी गाड़ी भी बटूं ठेठ डबल हूँ चालिया जना 80-90 लाए हूँ मैं और अभी सूरतगढ़ आ गयो। ओई कहना सारे भैया ने कि राम राम लिखोला, राम राम में कंजूसी नहीं करोला और सूरतगढ़ को पहलो चौक आ गयो और अभी टाइम हुए है 7:44 हटूँ बीकानेर 175 मैं 2.5 घंटा मुड़ जाऊँ जिन मन लास्ट में मुट्ठी लकड़ी वालो ए मेरा भाग है कि मैं 10 बजे उड़ जाऊँ और जार भी महानात्मा ने मुट्ठी लकड़ी दे दूँ। तो भाइयों कमेंट में राम राम जरूर लिखोला ताकि ईश्वर करियो तो घणो ही बुरो है पर आदमी चिंगो ही बुरो कौन करियो, पर आदमी ना बीमारी देनो करनो की जन्म में तो बाकी गलत काम करियो कौन यहाँ बड़े रखे हूँ था सात जन्म की लागे बड़े रखे हूँ तार वे खुद ही क्यों था धर्म को सेटा ही है किया कि भी तुझी सात जन्म की लागे की जन्म में चौथा लार लिपके टकी सा था की लिए भैया था ने कहा सही रिया करो सगड़ा गुल मिल रहो कहो अब किस जन्म की लगी बात राम जाने, पर अब ईश्वर मन आपके चरणम जगेंगे इन लिया तो 200 राम राम गली जय श्री।